राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने ललितपुर की तहसील ताल बेहट कोतवाली एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कहीं खुशी कहीं गम का माहौल रहा। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ताल बेहट की अवस्थाएं देखकर नाराज दिखे राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने संबंधित अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के 18 कमिश्नरियों में 18 कैबिनेट मंत्री जी के साथ मंत्रिमंडल के समूह बनाए गए हैं। उसी कड़ी में आज मैं अपने जो मेरे ग्रुप लीडर हैं कैबिनेट मंत्री आदरणीय नंदगोपाल नंदी जी के साथ हम लोग कल से इसी मंडल में हैं। आज कल हम लोग जालौन में थे और आज हम लोग ललितपुर की समीक्षा करने वाले हैं। ललितपुर के निरीक्षण पर हैं हम लोग। औचक कहीं जा रहे हैं, हमने किसी को बताया नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। यहाँ के अस्पताल को भी मेरी जानकारी नहीं थी, यहाँ के थाने को मेरी जानकारी नहीं थी, यहाँ के खंड विकास कार्यालय को मेरी जानकारी नहीं। मैंने अस्पताल में मरीजों से बात की है और आप लोगों के समक्ष की है। उन्होंने आप लोगों के सामने ये कहा है कि हमें नाश्ता मिला है, हमें भोजन मिला है, हमें पर्याप्त सामग्री मिली है। और यही योगी सरकार का सबसे बड़ा मंत्र है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक किसको कहीं लाभ, जो लाभ उस जिस लाभ के वो हकदार हैं, उस लाभ को सरकार की योजनाओं को हम उन तक पहुँचाएँ। और हम लोग लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि लगातार कोई ना कोई समूह प्रत्येक मंडल में चलता रहेगा। हमारी सरकार की योजना है हमारे अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, यही सरकार का उद्देश्य। सर कोतवाली का निरीक्षण किया क्या तुम्हें, कुछ मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। स्वच्छता मैंने देखी है, स्वच्छता का अच्छा था, उनके रजिस्टर सब मेंटेन है। और मैंने वहाँ जो शिकायतकर्ता थे उनमें से दो शिकायतकर्ताओं से बात की है, हमारे शिकायतकर्ता भी संतुष्ट थे उनका व्यवहार और वहाँ की कार्यशैली। सर एक सवाल था, ग्रामीणों ने सर कई बार शिकायत की नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर, सर उस पर उस प्रोजेक्ट की अभी पहले हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा में क्या निकल के आएगा उसके बाद ही कुछ कर सकता हूँ, बिना तथ्यों के तो कुछ नहीं कर सकता।